नमस्कार, चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पाठक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर तहसील बांदा में बढ़ती महंगाई आदि को लेकर किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा 16 सूत्रीय ज्ञापन। भारी पुलिस बल के साथ सैकड़ों की संख्या में सपाई पहुंचे सदर तहसील। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए पूरे प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। बढ़ती महंगाई, बिगड़ी कानून व्यवस्था, जिला पंचायत में धांधली, पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले व हत्याओं पर रोक लगाई जाए, बेरोजगार नौजवान को रोजगार दिया जाए, महिला के साथ हो रहे अत्याचार अपराध पर अंकुश लगाया जाए, उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए। बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कृषि यंत्र आदि पर बढ़ते दामों पर रोक लगाई जाए, दलित वर्गों, अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचार बंद हों, इत्यादि मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मामला जिला कलेक्टर परिसर बांदा का है। बांदा से पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। मांगों को लेकर के आज आप लोग आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवेदन के अनुसार उन्होंने जो आह्वान किया था उनके अनुसार हम लोग यहाँ पर पीएम ऑफिस में देने आए थे ज्ञापन। उस पर मांगे ये थी कि जो जिला पंचायत में ब्लॉक प्रमुखी में जो धांधागर्दी हुई है ये बहुत गलत हुआ है और योगी सरकार में पुलिस की राज में जो भी पुलिस वालों ने किया है, पुलिस के विभाग ने किया है और ये योगी राज मोदी राज में जो हो रहा है ये हमारी समाजवादी पार्टी में कभी नहीं हुआ है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आज ज्ञापन देने के लिए बोला है उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहा है ये गलत हो रहा है, ब्लॉक प्रमुखी में जो पर्चा फाड़ दिए गए हैं ये गलत हुआ है, जिला पंचायत में हम लोग नामांकन करवाने गए उसके बाद सारे दस्तावेज सही होने के बावजूद भी उसका एक दस्तावेज गोल कर दिया गया जो कि उसकी प्रतिकॉपी हम लोगों के पास थी। ऐसे ही महुआ ब्लॉक में भी हुआ, महुआ ब्लॉक के सारे दस्तावेज हमने लोकसभा आयोग को, चुनाव आयोग को हमने मेल भी किया था, उसके बाद भी हम लोग के दो दो पर्चे खारिज कर दिए गए। योगी सरकार में भ्रष्टाचार ही तो हो रहा है और क्या हो रहा है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के द्वारा विभिन्न मांगों के समर्थन में अपना ज्ञापन दिया गया है। यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया है। इनका ज्ञापन महामहिम जी को संबोधित है, वहाँ पर सर कुछ मुख्य मांगे कुछ जानकारी दी होगी उन्होंने बताया होगा। अनेक मांगे हैं आप लोगों ने पढ़ा है, उन्होंने ज्ञापन आप लोगों के पास सभी जो मांगे आपके वीडियो में अंकित है, धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी आज कार्यालय से पैदल चल करके प्रदर्शन करते हुए और कलेक्ट्रेट परिसर में आकर के ज्ञापन दिया है जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि पत्रकारों के ऊपर जो मुकदमा लगाए गए, अभी मारपीट हुई, ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत के चुनावों में धांधली हुई और जो है किसानों को जो MSP देने की गारंटी सरकार ने कहा था, किसानों को दुगना मूल कब मिलेगा, ऐसी तमाम तरह की मांगों को लेकर के हम लोग आज ज्ञापन देने का काम किया है।